नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के ग्राम टेमरी में। यहाँ पर आप सुन के चौंक जाएंगे, यहाँ पर 600 से 700 एकड़ में भिंडी लगाई जाती है। भिंडी इतनी अच्छी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो इसकी शुरुआत किस तरह से हुई उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही भिंडी की खेती यहाँ पर किसान भाई किस तरह से सक्सेसफुल तरीके से कर पा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर किसान भाई जो है वह भिंडी की जो खेती है वह किस तरह से कर पाते हैं और उसका अच्छा प्रोडक्शन जो है लेकर के किस तरह से निकाल पाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है किसान भाई जो कि खेती करते हैं। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सामने किसान भाई को आप अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम हीरा भारती है और मैं एक किसान हूं जो कि ग्राम टेमरी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, और विगत यहाँ लगभग 15 वर्षों से मैं सब्जी की खेती कर रहा हूँ। जी, तो सर यहाँ जैसे हम देखा कि यहाँ पर 600 से 700 एकड़ में खेती हो रही है भिंडी की, तो कैसे किसान भाई ने खेती भिंडी की खेती को चुना और इसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताएंगे। पहले हमारे गांव के लोग गरीब वर्ग मजदूर वर्ग के लोग जी कमाने खाने के लिए पलायन करते थे, बाहर जाते थे जी, महाराष्ट्र पुणे दिल्ली वगैरह जी। लेकिन कुछ किसानों ने सब्जी की खेती को अपनाया और देखा कि इनसे इनकम बहुत ज़्यादा होने लगा जी, और उसके साथ ही साथ आसपास के गाँव को और जो पलायन करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी यही रोजगार मिलना शुरू हो गया। इस प्रकार से सब्जी की खेती करना शुरू किए सब। जी, और कौन से सन से स्टार्ट हुआ सर ये जो इतने बड़े पैमाने में? ये लगभग 20 साल लगभग 2000 से लगभग शुरू है वृहद पैमाने पर। जी, और अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि भिंडी की खेती आप लोग किस तरह से कर पा रहे हैं, सक्सेसफुल जो मॉडल है, ताकि जो सामने किसान भाई देख रहे हैं वह भी आपसे कुछ सीखे और वो भी अगर भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो उनको भी आइडिया लगे इसके बारे में। भिंडी की खेती हम लोग जैसे धान की फसल कटता है, जैसे कि अक्टूबर है जी, उसके जस्ट बाद जमीन सूखने के बाद उसे जुताई किया जाता है जी, फिर रोटोवेटर से मिट्टी को बारीक काटा जाता है जी, उसके बाद नाली जी क्यारी बनवा कर उसे अलग अलग एक एक दाना भिंडी की जो है बीज को लगाया जाता है। उसके बाद फिर पानी कम मात्रा में, ज़्यादा ना हो पानी की मात्रा, ऐसे फिर वो एक सप्ताह में पौधे जो है उग जाता है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अपने बेड बनाए हुए हैं, ये बेड की चौड़ाई क्या रखी है आपने? लगभग 5 फीट 5 फीट ये है, और पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच 6 इंच आप रख सकते हैं जी। तो एक एकड़ में कितने बीज लग जाते हैं? इसके नर्सरी तैयार करते हैं फिर सीधी बिजाई करते हैं? नहीं, सीधी बिजाई इसमें आप करते हैं। और इसमें आप जब जैसे जमीन तैयार करते हैं तो उस समय खाद क्या क्या देते हैं? अपन खाद डालते हैं, लगभग पोटाश भी डाल देते हैं जी, और राखड़ ये दोनों डालते हैं, और कई लोग नहीं डालते तो भी चल जाता है। और पानी कितने बार देना होता है सर? अब ये अपन लगभग 4 माह की खेती है जी, 2 माह पौधे तैयार करने में लगते हैं जी, और फिर 2 माह बाद फल शुरू हो जाता है, फिर उस फल को तोड़ते वक्त 2 माह लग जाता है। लगभग 4 माह की खेती, तो 4 माह में लगभग 6 से 7 बार, लगभग 15 से 18 या फिर 22 दिन के अंतराल में अपन पानी देते हैं। और इसमें बीमारियां कौन कौन सी देखने मिलेगी किसान भाइयों को? किसान भाइयों को बीमारियों तो बहुत सी प्रकार की आती है, जैसे कि इसमें सबसे पहले है तना छेदक जी, जो बीच पौधे के यहाँ से यहाँ को छेद कर देते हैं और फिर पौधे जो है पूरा सूख जाता है जी, ये सबसे खतरनाक बीमारी है तना छेदक। उसके बाद एक आता है मैनी, जिसे हम कहते हैं रस चूसक जी, है ना, वो ये पत्ते को पूरा ये देखो ये मैनी दिख रहा है, आप आ जाइए थोड़ा दिख लीजिए, ये मैनी है जी, ये ही बहुत खतरनाक एक प्रकार के कीटाणु है जो पूरे पौधे की रस पत्ते को रस को चूस कर पत्ते को सुखा देता है, जिससे वो पौधा पूरा ख़त्म हो जाता है जी। तो इसकी भी उपचार के करते हैं जी। और एक दहिया रोग करके जो सादा पूरा पत्ते को सफ़ेद करके नष्ट कर देता है। अच्छा, वो बीमारी जो है शुरू होती है, पत्ते पूरे सफ़ेद होने शुरू होते हैं, इस तरह से देख सकते हैं क्या सर? हाँ, दहिया रोग वो है जी, उसमें फिर सफ़ेद होते होते पूरा 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 पूरा। और इसमें अच्छी फ्रूटिंग और अच्छी फ्लावरिंग के लिए कुछ दवाई डालते हैं? हाँ, डालते हैं ना, जैसे बायोविटा है, और इसमें बहुत सारे प्रकार की कंपनियों के अलग अलग दवाई आती है जो फल फूल बढ़ाने के लिए देते हैं जी, उसको अपन छिड़काव करते हैं फल फूल के लिए जी। तो फिर लगाने के बाद इसमें कितने दिन बाद हमें हार्वेस्टिंग देखने मिल जाती है, तुड़ाई उसकी जो होती है पहली तुड़ाई? लगभग 45 दिन बाद शुरू हो जाता है जी, और 60 दिन में अपन पूर्ण तैयार हो जाता है फल जी, 45 दिन में फूल आ जाता है, और लगभग पहले फूल को फल लगने में तोड़ने लायक बनाने में उसे 15 दिन लग जाता है जी।
और इसमें जैसे हम देखें एकड़ के हिसाब से बात करें तो इसमें कितना उत्पादन देखने मिल जाता है हमें? ये शुरुआत में अपन देखें तो 4 से 5 बोरी पहली तोड़ाई में ये होता है। उसके बाद जैसे ही गर्मी बढ़ता है उस प्रकार से एकड़ में अपन 15 बोरा 16 बोरा ऐसा भी 3 क्विंटल 4 क्विंटल फल इसमें तोड़ सकते हैं अपन। जी मार्केट है वो कहाँ पर? अपन मार्केट है पहले तो बिलासपुर जाता है शुरू में जी, उसके बाद कोरबा भी भेजते हैं, यहीं से गाड़ी लग कर जाती है, अपन बाड़ी आता है वहाँ से गाड़ी, तो वहाँ अच्छी खासी रेट मिल जाता है कोरबा में। शुरू में अपन जनवरी की फर्स्ट सप्ताह में देखें तो फल निकलना शुरू हो जाता है लगभग, तो लगभग 100 रुपये प्रति केजी, जी 1 किलो का 100 रुपये, 80 रुपये 90 रुपये ऐसे होता है, तो किसानों को अच्छा फ़ायदा शुरू में होता है जी। उसके बाद बाहर से दूसरे प्रदेश से भी, अच्छा दूसरे प्रदेश भी जाते हैं जैसे झारखंड है, बिहार है, यूपी है, वहाँ के जो मंडी वाले हैं वो स्वयं यहीं आते हैं और अपने ग्राहक के माध्यम से अपने माल यहीं से उठा कर ले जाते हैं वो लोग। और जैसे अगर छोटे किसान हैं अभी तो आपके पास बल्क में यहाँ पर तैयार हो रहा है तो आप बाहर या फिर कहीं भी ट्रांसपोर्ट करा पा रहे हैं, अगर छोटे एरिया में कोई करता है 3-4 एकड़ में तो उसके लिए किस तरह से मार्केटिंग होगी, इसका प्राइस किस तरह से फ्लक्चुएट होता है? हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर जी, जी कोरबा जी, जी यहाँ अगर वो मार्केटिंग करे तो यहाँ अच्छा रेट मिल जाता है जी, शुरू से आखिरी तक अच्छा रेट, मतलब नुकसान किसान को नहीं होगा। तो अब सर इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें मुनाफा कितना मिल सकता है और लागत कितनी आती है? ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर जी, जी जी अगर सही रहा जी, तो 1 एकड़ में प्रति एकड़ में 1.5 लाख रुपए तक की इनकम हो जाती है जी, जी। और न्यूनतम कहें तो 20-30 हजार रुपए अगर मौसम, जैसे कि इस साल मौसम बहुत खराब था जी, जी। जैसे बदली जी। मौसम बदली आती है तो उसमें क्या है फल जो है गिरने लगता है तो उससे किसान को नुकसान होता है जी। तो उसमें कम मुनाफा होता है जी। और अगर सही तरीके से मौसम ने साथ दिया तो 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की लाभ होता है जी। और इसमें कुछ विशेष जानकारी जो हमारे सामने किसान भाई देख रहे हैं या फिर कोई नए किसान है जो आना चाहते हैं तो उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि सब्जी की खेती, इससे पानी की भी बचत होती है, बहुत कम पानी में अच्छा इनकम कहा जा सके तो इसमें मिल जाएगा। जैसे अपन धान की खेती करते हैं तो धान 6 माह में आता है, लेकिन 1 एकड़ धान में अपन 10 से 15 हजार रुपए ही बचा पाते हैं जी। और मेहनत भी ज़्यादा लगता है और पानी की खपत भी उसमें बहुत ज़्यादा होती है जी। तो अपन सभी किसान से ही चाहेंगे कि सब्जी की खेती करें जिससे कम बजट में अच्छा मुनाफा हो जाएगा और पानी की भी बचत हो जाएगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गात्रे है, मैं टेमरी से हूँ। मेरा नाम हेमेंद्र कुमार बांधे है, मैं भी टेमरी से हूँ। लगभग हम लोग भी 10-15 साल से खेती कर रहे हैं भिंडी। तो सर धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा सर यहाँ पर जो खेती है भिंडी की उससे, और हम आएंगे इसमें और सारी जानकारियाँ कलेक्ट करेंगे। अभी जैसे ही किसान भाई के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट करें, उससे रिलेटेड हम आगे आकर के सर से पूछताछ करके उसके जवाब आप लोग को देंगे। धन्यवाद सर। तो इसका मिट्टी वगैरह होता है? वो मिट्टी कुछ दूसरा रहता है, हर जगह अलग अलग प्रकार का मिट्टी होता है। हमारे यहाँ मटासी मिट्टी बोलते हैं इसको, जिसमें भिंडी बढ़िया उपजाऊ होता है। इसमें कई जगह के जमीन जो रहता है उसमें का भिंडी कुछ फर्क आता है, उतना तो फर्क नहीं बट थोड़ा बहुत अंतर रहता है।